हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त आपके साथ आपको एक नया इंग्लिश का छोटा सा बेसिक लेसन बताने के लिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ में। चलो आइए। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिले। ओके दोस्तों, आज हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करना। कोई भी सेंटेंस हम जब बोलते हैं तो उसके अंदर अगर काम रहेगा तो उसमें वर्ब रहेगा, तो वर्ब आ गया। उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहता है। वो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात चल रही है। और जब वॉइसेस चेंज करते हैं, ऐसी चीजें ऐसे सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट ने उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या किया। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस का एग्जांपल मैं कहूंगा, द टीचर गेव होमवर्क। टीचर हो गया सब्जेक्ट कि वो जो है उसने कुछ काम किया। इस सेंटेंस में क्या काम किया वो हो गया वर्ब, यानी कि गेव। और ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क, यानी कि उसने होमवर्क दिया। ये हो गया एक्टिव वॉइस। यहां पर मैं एक चीज को पॉइंट आउट कर लूं कि हमारा वर्ब जो है वो पास्ट टेंस है, तो अगर हमारा वर्ब कंटिन्यूअस में है तो वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं। तो टीचर गेव होमवर्क को अगर मुझे पैसिव वॉइस में डालना है तो एकदम सिंपल है कि आप ऑब्जेक्ट को घुमा करके सब्जेक्ट की जगह पर रख दो, सब्जेक्ट को घुमा करके ऑब्जेक्ट की तरफ रख दो। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। इससे ये भी पता चला कि एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट बाद में आता है। या तो मुझे बोलना चाहिए कि पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट पहले आता है और जो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया उसे एजेंट भी कह सकते हैं। तो टीचर गेव होमवर्क, वो बन गया होमवर्क वॉज गिवन बाय द टीचर। इधर आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि गेव का वॉज गिवन हो गया। गिवन जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, और ज्यादातर के आप ध्यान दोगे तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स जो है वो एन में खत्म होते हैं, जैसे कि शो का शोन, थ्रो का थ्रोन, ईट का ईटन। आप समझ गए। तो होमवर्क वॉज गिवन, तो वॉज एक एक्स्ट्रा वर्ब हेल्पिंग वर्ड हमारे लिए यहां पर आ गया। और वॉज क्यों है? क्योंकि गेव था तो गेव का वॉज ही आएगा। और एजेंट जो है टीचर, उसके साथ में मैंने बाय लगा दिया। क्यों? क्योंकि टीचर ने किया, तो बाय द टीचर। होमवर्क वॉज गिवन बाय द टीचर। तो आपको याद रखना है कि पास्ट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल के साथ में हेल्पिंग वर्ड वॉज या वर, डिपेंडिंग ऑन कितने ऑब्जेक्ट्स है, और बाय द और सब्जेक्ट का नाम आएगा। जैसे हॉर्सेस वर ईटिंग ग्रास। अब मैंने यह खास करके एक पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस लिया है ताकि आपको मैं पास्ट कंटिन्यूअस का भी एक एग्जांपल दे दूं। तो हॉर्सेस जो है सब्जेक्ट हो गया, वर ईटिंग पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और प्लूरल भी है इसलिए वर आ गया, और ग्रास जो है ऑब्जेक्ट है, घोड़े घास खा रहे थे। अब मैंने ऑब्जेक्ट को लेके सब्जेक्ट की तरफ लगा दिया। हॉर्सेस जो सब्जेक्ट था मेरा, मैंने उसको लेकर ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया, एजेंट, उसको एक एजेंट बना दिया। तो द ग्रास वॉज बींग ईटन। अब यहां पर क्या फर्क पड़ गया?
क्योंकि कंटिन्यूस है, वहां पर मैंने वर्ड बीइंग डाल दिया, और ग्रास सिंगुलर है, हॉर्सेस जो है वो प्लूरल था लेकिन वो एजेंट की तरफ आ गया है, और ग्रास वहां पर आ गई, ग्रास कभी भी सिंगुलर में हम गिनते हैं, तो ग्रास वॉज बींग ईटन, ईटन जो है पास्ट पार्टिसिपल आ गया, तो आपको मिल गया कि बींग जो है ऐसे जब कंटिन्यूस सेंटेंसेस यूज करेंगे हम तो बींग इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी सेम है बाय द हॉर्सेस, तो बाय इस्तेमाल करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा, कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं। द क्रिकेटर थ्रू द बॉल, क्रिकेटर हो गया सब्जेक्ट, थ्रू वर्ब, द बॉल हो गया ऑब्जेक्ट, उसे उल्टा कर दो, द बॉल वॉज थ्रोन बाय द क्रिकेटर। माई फ्रेंड इज प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज प्लेइंग, माई फ्रेंड जो है सब्जेक्ट है, फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल को मैंने सब्जेक्ट पे तरफ डाल दिया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय माय फ्रेंड। तो ये दो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि वो चेंजेस कैसा करना। तो सब्जेक्ट जो है समझ में आ गया हमें कि सब्जेक्ट वो चीज है या वो शख्स है या वो एनिमल जो भी है वो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि द क्रिकेटर थ्रू द बॉल, तो करने वाला हो गया क्रिकेटर, और उसने किस चीज पे काम किया, काम तो हो गया वर्ब, काम किस चीज से किया या किस चीज पे किया वो हो गया बॉल। द हॉर्सेस वर ईटिंग ग्रास, तो करने वाले हॉर्सेस है, वर्ब जो है ईटिंग है, लेकिन क्या कर रहे थे, किस पे कर रहे थे, वो है ग्रास, यानी कि ग्रास चर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट वो चीज हो गई जिस पर काम होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों जरूरत क्यों है हमें पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने के लिए? कभी कभी होता है ऐसा कि जो काम कर रहा है उससे जरूरी होता है हमें बताना कि काम क्या हो रहा है या किस पर काम चल रहा है। जैसे अगर हम बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरे विदेश में जाके एक ट्रीटी साइन किए, तो क्या हो गया कि हमने एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक बात कह दी, द प्राइम मिनिस्टर साइंड अ ट्रीटी विथ अमेरिका, तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फोकस आ गया। अगर हमें चाहिए कि वो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ट्रीटी के बारे में हमें आपको बताना है, हमारे पेपर के हेडलाइंस में हमें ट्रीटी जो हम लोग काफी दिन से देख रहे थे कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर अमेरिका से ये ट्रीटी करे, अगर वो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगा द ट्रीटी वॉज साइंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? तो पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करें और एक्टिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करेंगे? एक्टिव वॉइस हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि हम जो कर रहा है काम उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके नजरिए से हम बात कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस हम इसलिए इंपॉर्टेंस देंगे कि अगर जो काम हो रहा है या तो जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई एम स्टडीइंग मैथमेटिक्स, तो यहां पर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मैं मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट कौन सा स्टडी कर रहा हूं। तो किसी ने बात कर दिया कि भाई मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सीखना चाहिए, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा अरे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज बीइंग स्टडीड बाय मी, यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स मैं कर रहा हूं और मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूं, कितना फर्क हो गया। तो जो चीज मैं कर रहा हूं अगर मुझे उसे इंपॉर्टेंस देना है तो वो मैं पैसिव सेंटेंस में डालूंगा। ऐसे ही इंग्लिश वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, और शेयर जरूर करना, आपके दोस्तों को भी इससे जरूर फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, सीखते रहो।